नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएससी न्यूज चैनल और मैं हूं जीवन टेलर ग्राम बिलपांक से। जैसा कि आपको ज्ञात है, पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद हर गांव में पंच सरपंच इस वक्त चुनाव मैदान में हैं और ग्राम बिलपांक में भी सरपंच पद के 6 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। श्रवण भगत, बिलपांक सरपंच पद का प्रत्याशी हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ। आपका प्रथम महत्वपूर्ण कार्य जो इस बिलपांक गांव के लिए आप करना चाहेंगे? सबसे प्रथम महत्वपूर्ण कार्य हमारी प्राचीन धरोहर विरूपाक्ष महादेव का भव्य गेट निर्माण बिलपांक चौपाटी पर करवाना, मंदिर का सुंदरीकरण करना और मेरे वचन पत्र और संकल्प पत्र में यह है, माँ नर्मदा का जल बिलपांक में लाना और समस्त गाँववासियों के लिए जो पिछला बकाया जलकर और भवन कर है उस पर एक साथ जमा करने पर 50% की सब्सिडी और आने वाला नया जलकर और भवन कर पर भी 50% की सब्सिडी। और कहीं ऐसे कार्य बिलपांक में है जहाँ कच्ची सड़कें हैं, उन्हें सभी सीमेंट कंक्रीट करना और गरीब को आवाज जो नहीं मिले उनको सबको पक्के मकान दिलवाना, हिंगलाज माता टेकरी का रोड बनवाना। कहीं गाँव में ऐसे रोड मुख्य रोड हैं वो अभी तक लंबित पड़े हुए हैं कई वर्षों से। एक हमारे अजीजा बस्ती में भी पुलिया निर्माण और स्टाफ डैम निर्माण करवाना है, कहीं पिछले वर्षों से लंबित है, वो मेरी प्राथमिकता है। शमशान घाट को लेकर भी सुंदरीकरण की मेरी प्राथमिकता है। स्वच्छ मिशन को लेकर घर घर गाड़ी जाएगी, कचरा गाड़ी। शिक्षा के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहन राशि। खेलकूद के लिए एक महत्वपूर्ण मैदान की जो घोषणा मेरे संकल्प पत्र में है और जो सेना में हमारे यहाँ से युवा भर्ती होंगे उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि मेरी तरफ से दी जाएगी। एक सबसे बड़ी युवा और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए घोषणा है कि जो कक्षा 10 से लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, फाइनल करें, जहाँ भी करें, जो प्रथम आएगा जिले में टॉप 10 10 की सूची में, उन्हें लैपटॉप से मैं सम्मानित करूँगा। मेरी तरफ से उन्हें लैपटॉप वितरित करूँगा। एवं कन्या विवाह योजना जो शासन की अनुसार चल रही है उसमें भी हम सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए सहयोग करेंगे। खाद्य पर्ची जिसकी नहीं बनी है उसकी बनाएंगे। मनरेगा के अंतर्गत सभी किसानों के लिए हर खेत पर जाने के लिए एक सुंदर रोड एवं एक व्यवस्था किसानों के लिए हम सुचारू रूप से करेंगे। संबल योजना 2 लागू हो चुकी है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, उसे भी हम पूरी ताकत से ग्राम पंचायत में लागू करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण योजना है राजस्व विभाग द्वारा मृत्यु नामांतरण शिविर आयोजन गांव बिलपांक में करवाने का प्रयास करूंगा। गांव में बस स्टाफ व गांव तक बस लाने का भी प्रयास मैं शासन की ओर से सरकार की ओर से करूंगा। बेरोजगार युवाओं के लिए 5,000 से 50,000 लोन की स्वीकृति जो मिलती है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और मैं संपूर्ण बिलपांक के मतदाताओं से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि मेरा चुनाव निशान अनाज बरसता हुआ किसान मत पत्र पर 6 नंबर पर अंकित होगा। सबसे आखिरी में मेरा चुनाव निशान है, उस पर आप भारी बहुमत से मुझे सहयोग करें, आशीर्वाद दें, स्वरूप एक प्रचंड जीत गांव की जनता मुझे दिलाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः मैं अपना चुनाव चिन्ह उनको कहना चाहता हूं, गांव के मतदाताओं को, कि 6 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह अंकित है, अनाज बरसता हुआ किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में श्रवण भगत, बिलपांक सरपंच पद के दावेदार। धन्यवाद।